तुनिशा के केस में उनके बॉयफ्रेंड के कोस्टार शिजान को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया, उन्हें अरेस्ट भी किया गया, जुडिशियल कस्टडी में इस वक्त वो है। और ऐसे में अब शिजान के परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी ओर से कई राज खोलते हुए तुनिशा की फैमिली के नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि तुनिशा का अपनी माँ के साथ कोई अच्छा रिश्ता नहीं था, क्योंकि उनकी माँ ने कभी भी तुनिशा पर गौर किया ही नहीं। वो अगर भूखी थी तो अपनी बेटी के प्यार की नहीं बल्कि उसके पैसों की थी, और इसी वजह से तुनिशा का शिजान की मां के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। और इसका सबूत भी एक वीडियो कॉल में उन्होंने दिया है। वो वीडियो कॉल में आखिर क्या है, आइए आपको सुनाते हैं। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज्यादा, आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। तो सुना सा आप सभी ने कि आखिर इस ऑडियो कॉल में क्या था, किस तरह की रिकॉर्डिंग थी। यहाँ शिजान की माँ और तुनिशा के बीच की बात थी, लेकिन सिर्फ तुनिशा की आवाज़ सुनाई दी, शिजान की माँ की आवाज़ नहीं सुनाई दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग वायरल की गई है, सामने रखी गई है, जहाँ पर तुनिशा ये कहती हुई नजर आ रही है कि आखिर वो शिजान की माँ पर कितना ज़्यादा भरोसा करती है, लेकिन अब उन्हें समझ आ ही नहीं रहा आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और वो इसी वजह से थक चुकी है। क्या कहना है इस ऑडियो कॉल को लेकर आप सभी का, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और इसी के साथ हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब की बनाओ बिल्कुल भी ना जाएं। ऑडियो चैनल